वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने TVS अपाची RTR 164V और इसकी जो प्रॉब्लम हुई है वो क्लच केबल से हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो क्लच केबल है वो टूट गई है गाइस। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि दो तीन तार जो है इसकी अंदर से टूट गई है। मैं इसे निकालने के बाद आपको दिखा दूंगा। तो ये वीडियो मैं इसीलिए शूट कर रहा हूँ गाइस कि आप लोगों को थोड़ी हेल्पफुल हो जाए कि आपकी अगर क्लच वायर अगर टूट जाती है घर पर तो इस क्लच वायर को घर पर कैसे चेंज करना है, यही आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बता दूंगा इसकी क्लच केबल खोलने के लिए पहले हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम लोग खोल सकते हैं। तो पहले यहाँ से खोल लेते हैं गाइस। तो कैसे खोलना है मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे इजी प्रोसेस है गाइस, यहाँ पे इस तरह से इसे ऐसे निकाल लेना है तो ये जो क्लच केबल है यहाँ से निकल जाएगी। नीचे साइड दिखा तो ये पॉइंट निकल गया। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस इसकी जो वायर की हालत है कुछ इस तरीके की हो चुकी है। देख सकते हैं एक या दो तार पे ये बची हुई है। तो यहाँ से तो ये खुल गई, अब हम लोगों को यहाँ से खोल लेना है गाइस। यहाँ से भी ये चीज़ खुल चुकी है गाइस, अब हम लोगों को इसे निकाल लेना है। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम इस वायर को निकाल रहे हैं उसी तरह से नए वाले वायर को हम लोगों को फिट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये वायर आई हुई है। तो यहाँ से पहले हम लोग निकाल लेते हैं। बन गया क्या? ना ना दिखाते रहो। क्लिप यहाँ पर क्या दिखाऊं? क्लिप में लॉक है, क्लिप तो तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े हुए निकलेगा नहीं। काटना होगा उसको शायद, निकल जाएगा बिना तोड़े हुए। नहीं निकलेगा वो, निकल सकता है। एक मिनट हो गया है, अपर को खींच लेते हैं पहले। तो निकल गया लेकिन नया वाला लगाने में इसमें दिक्कत होगा। दूसरा क्लिप मार देंगे आओ। यहाँ पे देखिए इसकी हालत, दो तार पे बचा हुआ है बस, तीन तार है, दो तार। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा इसकी जो वायर हम लोगों ने लाई है वो ये है नई वाली। बस इसमें हम लोगों ने थोड़ा चेंज क्या किया है कि इसकी जो रबर दी गई थी ये थोड़ी पतली लग रही थी, थोड़ी ये हैवी दी गई है जो पहले से गाड़ी में कंपनी से आई है। तो हम लोगों ने इसे फिट कर दिया है इस वायर से निकाल करके। तो आप लोगों को भी अगर लगे तो अब इस रबर को लगा सकते हैं इसमें, यहाँ से इस फिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसका पार्ट्स नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कोड ये दी गई है, क्लच केबल TVS अपाची RTR 4V, अपाची 4V BS6 या RT 200 की, मतलब जो भी 164V है उसमें ये जो केबल है वो फिट हो जाएगी।
जो प्रोडक्ट है इसका कंपनी का नाम देख सकते हैं कि गाइस रैमसम्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जा रहा है। ये लोकल ही हो जा रही है एक तरह से, लेकिन क्या करें अभी जो हमारे लोकल स्पेयर पार्ट्स पास यही थी तो हम लोगों ने ले आई और इसे हम लोग फिट करते हैं गाइस। कैसे फिट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने जिसे जैसे निकाला था उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे इस वायर को ले जाना है। इसमें तो ये लगेगी नहीं क्योंकि ये बहुत छोटी क्लिप दी गई है यहाँ पे, तो इसमें ये लगेगी नहीं। तो हम लोग इसे ऐसे ही लेके जाते हैं गाइस। और फिर यहाँ से हम लोगों को इस साइड इसमें लगाना है। अविनाश मोबाइल पकड़। पहले बोल्ट खोले पड़ेगा तब ले जाएंगे। यहाँ नीचे की फिटिंग हो चुकी है गाइस, अब हम लोग ऊपर की फिटिंग कर लेते हैं। इधर नीचे से दिखा करके यूज करके क्लच हाउ टाइट। ठीक है, अब गियर डाल के चेक करो, स्टार्ट करो गियर।
गियर लगा के चेक करो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसकी मैंने गलती की थी कि मैंने पहले यहाँ पे फिट कर लिया था, लेकिन पहले हमें यहाँ फिट नहीं करना है, पहले हम लोगों को इससे फिट कर लेना है अच्छी तरीके से, तब हम लोग इसको फिट कर पाएंगे एकदम आराम से। और यहाँ पे थोड़ी सी ये फ्री प्ले आपको देखने के लिए मिल रही है, ये देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि थोड़ी सी फ्री प्ले यहाँ पे भी फ्री प्ले रखनी है और यहाँ पे भी फ्री प्ले थोड़ी सी आपको रहनी चाहिए, तब जाके आपकी अगर जो क्लच प्लेट है उस पर कोई भी भार नहीं पड़ेगी क्लच के मुकाबले। डबल स्टैंड से हटा के चेक करो, स्टैंड पे तो गियर लग ही जाएगा। न्यूट्रल करो, उतारो, अब लगा के चला के देखो इतना दूर में। ठीक है, ज़्यादा रिलीज करने पे बढ़ रहा है। अच्छा, थोड़ा मतलब ज़्यादा छोड़ने पे बढ़ रहा है, पीछे करो उसको, अब ठीक करते हैं। ये जो क्लच केबल है गाइस चेंज हो चुकी है, और ये जो जानकारी है आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आपको उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी बाइक से इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।